नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज़ चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। वह प्रगटियो मरद अगमा वरिया मिकेला, वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला। कानपुर, मंगलवार। खालसा के संस्थापक दशमेश पिता साहिब ए कमाल श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पावन प्रकाश पर्व का 3 दिवसीय समारोह का भव्य आगाज आज विशाल नगर कीर्तन के साथ हो गया। प्रातःकाल से ही जहां प्रबंधक नगर कीर्तन की तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे थे, तो वहीं स्कूलों के बच्चे, शब्दी जत्थे, प्रभात फेरियां सभी नगर कीर्तन के उद्गम स्थल गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा लाटूश रोड की तरफ नगर कीर्तन में अपनी शमूलियत सुनिश्चित करने के लिए कूच कर रहे थे। श्री गुरु सिंह सभा कानपुर लाटूश रोड के तत्वाधान में व सिख गुरुद्वारा कमेटियों, सिख संगठनों एवं संगत के सहयोग से आज गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा लाटूश रोड से भव्य एवं विशाल नगर कीर्तन धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्र छाया व पंच प्यारों की अगुवाई में पुलिस के विशेष दस्ते द्वारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ आरंभ हुआ। नगर कीर्तन में सबसे आगे पुलिस घुड़सवार दस्ता चल रहा था। खालसा का प्रतीक निशान साहिब झूलते निशान रहे पंथ महाराज के, जयकारों के मध्य केसरी निशान झूल रहे थे व खालसा जाहो जलाल का प्रतीक नगाड़ा गूंज रहा था। दशमेश शस्त्र दल के सेवादार सिख मार्शल आर्ट गतका का प्रदर्शन करते चल रहे थे। बैंड वादक अपने संगीत वाद्य यंत्रों पर सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कटमरे कभू न छाड़े खेत को प्रस्तुत करते हुए चल रहे थे। गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन वृतांत पर आधारित झांकियों से सजे वाहन युवा पीढ़ी को गुरु इतिहास से जोड़ने का कार्य कर रही थी। नगर कीर्तन में विशेष रूप से पंजाब से आए फौजी बैंड ने पूरे नगर कीर्तन मार्ग पर अपनी कलात्मक प्रस्तुति से संगत की वाहवाही बटोरी। फौजी बैंड मुख्य आकर्षण रहा। इसी के साथ गुरु नानक बॉयज इंटर कॉलेज नारायणपुरवा, गुरु नानक गर्ल्स विद्यालय इंटर कॉलेज लाटूश रोड, गुरु नानक नर्सरी स्कूल लाटूश रोड, गुरु नानक पब्लिक स्कूल लाजपत नगर, गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज सुंदर नगर, गुरु रामदास पब्लिक स्कूल लाजपत नगर, खालसा बॉयज इंटर कॉलेज गोविंद नगर, खालसा गर्ल्स इंटर कॉलेज गोविंद नगर, ओबराय एजुकेशन सेंटर किदवई नगर सहित सिख शिक्षण संस्थानों के बच्चे गुरु पर्व की झांकियों सहित अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। स्त्री सत्संग लाल बंगला, स्त्री सत्संग पांडू नगर, स्त्री सत्संग नसीमाबाद, स्त्री सत्संग संत नगर, स्त्री सत्संग रंजीत नगर, स्त्री सत्संग भाई बन्नो साहिब, स्त्री सत्संग लाजपत नगर, स्त्री सत्संग श्री गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष हरविंदर सिंह लाड, सुखविंदर सिंह भल्ला लाड़ी, मोहन सिंह झास, हरजिंदर सिंह काले, ज्ञानी मदन सिंह, सुरजीत सिंह लौड़, हरमिंदर सिंह लूंगोवाल, मीतू सागरी, करमजीत सिंह, दया सिंह गांधी, मनमीत सिंह राजू, सुरिंदर सिंह चावला कालू, गुरदेव सिंह सलूजा, राजू खंडूजा, देवेंद्र पाल सिंह, तरलोचन सिंह नारंग, जयदीप सिंह राजा, जसवंत सिंह भाटिया, अमनजोत सिंह रौनक, अमरजीत सिंह पचनंदा, राजेंद्र सिंह नीटा, अमनजोत सिंह रौनक, मनजीत सिंह परषद, गुड्डू छतवाल, इंदरजीत सिंह इंद्रप्रस्थ, तरनजीत सिंह, सतनाम सिंह सूरी, त्रिलोचन सिंह यंगमैन, तेजी कोहली, मंगा ग्रोवर आदि नगर कीर्तन के सुचारू संचालन व व्यवस्था को दुरुस्त रखने के दायित्व को अंजाम दे रहे थे। 3 दिवसीय गुरु पर्व समारोह के दूसरे दिन कल सोमवार को जहां पंथ के महान रागी जत्थे व प्रचारक संगत को गुरुवाणी से निहाल करेंगे, वहीं लंगर की सेवा भी आरंभ होगी, जहां गुरु पर्व पर लाखों लोग एक पंगत एक संगत के सिद्धांत के अनुरूप लंगर छकेंगे। कानपुर से संवाददाता प्रथम शुक्ला की खास रिपोर्ट।
ਡੋਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲ ਆ ਪਹਿਲੇ ਲਾ ਗਏ ਆਪੇ ਪੀਨੇ ਨਾਨਕ ਜੋਤਾ ਪੀਨੇ रहते हुए आज जो आयोजन हो रहा है, आपका कार्यक्रम हो रहा है, ये सुबह से आपकी जो जत्था निकला, इसके बारे में हम लोग पंच प्यारे के बारे में कुछ संक्षेप में बताएं। आज हमारा जो नगरीता निकला है वो रवि जी के प्रकाश पर्व के दौरे में निकला है। परसों 29 तारीख को रवि जी का प्रकाश दिहाड़ा मनाया जाएगा। आज द्वारे से आज नई कीर्तन निकाला गया जो कि यहाँ मोती झील में लेके आया गया है, क्योंकि समाप्ति हमारे मोती झील में हुई। कल क्या कितने बजे से आपका वो कीर्तन है? कल यहाँ पे लंगर की सेवा की जाती है, जो कि यहाँ पे लंगर बनाया जाता है और संगत इकट्ठी होती है, इकट्ठी होकर यहाँ पे सेवा करती है। यहाँ पे सब्जी काटना हो गया, वो प्रसादे बनाना हो गया, यहाँ पे वो सेवा होती है। रात को भी यहाँ पे कीर्तन दरबार सजाया जाता है और उसके अगले दिन यहाँ पे जैसे कि लंगर आपको बताया गया प्रकाश पूर्व है, यहाँ पे लंगर की सेवा। ये कार्यक्रम लगभग पीढ़ी तक चला जा रहा है। आज कार्यक्रम को होते हुए लगभग 100 साल से ऊपर हो गया और ये एशिया का सबसे बड़ा प्रकाश पूर्व हमारे कानपुर यूपी मनाया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, हमारे कल बच्चों के लिए कॉम्पिटिशन रखा गया है जिसका नाम है थर्मल टाइम कॉम्पिटिशन है। यहाँ पे छोटे से लेकर 7 साल से लेकर 25 साल का जो बच्चा है वो टर्बन बांधने का, मतलब पगड़ी बांध के दिखाएगा कितनी जल्दी कितनी साफ हो। कब है ये कार्यक्रम? कल 11 बजे से होगा। इसको सिक्योर सोसाइटी अरेंज कर रही है और नाना वेलफेयर सोसाइटी अरेंज कर रही है।